दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। आज जो मैं आपकी स्पेशल मुलाकात करवाऊंगा, जी हाँ, हमारे स्पेशल सुमित सेठी से। जी हाँ, ही इज अ वन ऑफ द बेस्ट डीजे ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडिया में अगर कोई भी बहुत बड़ा इवेंट हो, चाहे ये युवराज की शादी हो, चाहे कपिल, एंड बिगेस्ट डीजे, और सबसे अच्छी बात, ही इज अ एक्टर, ही इज अ म्यूजिक कंपोजर। आइए बात करवाता हूं आपको सुमित के साथ। सुमित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। हाय वरुण, हाउ आर यू ब्रदर? दिस इज सुमित सेठी ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली इंडिया। मजा आ गया मेरे भाई, एंड ट्रस्ट मी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन तो कोई भी नहीं देता, इतना प्यार दे दिया आपने। सुमित भाई, आप प्यार के काबिल हैं, बिकॉज यू आर सो टैलेंटेड, यू आर डूइंग सो हार्ड वर्क। जो आपकी म्यूजिक के बीच में, बीट्स के बीच में आप जान डाल देते हैं, और पार्टी के अंदर जो मजा दिला देते हैं, वो कहाँ आता है? क्योंकि मैं आपको हमेशा ही फॉलो करता हूँ। आई जस्ट मस्ट से कि व्हेन यू केम टू सिडनी, सिडनी वन ऑफ द योर बेस्ट इवेंट हियर इन डार्लिंग हार्बर, एंड आई वांट टू से थैंक यू टू योगेश जी, किनके कारण आज आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। योगेश जी, राम राम ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, डालमंग हार्बर, क्या शो था वो होम क्लब में, उफ उफ उफ, वो तो दिन अब याद हो गई, पता नहीं कब आएंगे अब ऑस्ट्रेलिया दोबारा, कब खत्म होगा कोरोना। ओके वरुण, माय नेम इज डीजे सुमित, आई एम हियर टू विन, आई कैन कट स्क्रैच लूप मिक्स इन ट्रे, माय स्टार इज यंग, आई हिट इट बिग यंग, व्हेन इट कम्स टू डीजिंग आई एम नंबर वन, विद अ गाय लाइक मी माय म्यूजिक इज न्यू, एंड पीपल लाइक मी आर वेरी फ्यू, I don't know evil and I make no sin. I'm here at Friends TV. Let's rock and spin. Wow! सबसे पहले यही चीज आती है कि how you become a DJ? Because DJ के बीच में आप आए, talent तो आपके बीच में है ही है, as your good looks, as your actor. So किस तरीके से आप DJ के बीच में, how you did you start your career? यार वरुण पाजी, मेरे को लगता है पैशन प्रोफेशन बन गया। अब सच सच बताऊं तो आज से अबाउट अ डेकेड अगो, जब नए जमाने में जब डीजेइंग वीजेइंग होती नहीं थी, थोड़ा कॉलेज वॉलेज में गया, एकदम देखने आ रहे वाह लड़कियां शड़कियां लाइन वाइन, अरे वाह डीजे डीजे डीजे, तो सीन हो गया ऑन, वहां से डीजेइंग स्टार्ट हो गई, थोड़े थोड़े पैसे पूसे भी आने लग गए, एंड घर से पैसे ना मांगने पड़े, और म्यूजिक भी बजाओ, थोड़ी हाइप भी हो जाए, फैन फॉलोइंग भी बनती गई, तो धीरे 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 कन्वर्ट हो गया डीजेइंग में। फिर मैंने एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया 55 घंटे नॉनस्टॉप बजाने का, फिर एक चैनल भी का बहुत पॉपुलर शो करा, फिर धीरे 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 कहानी बनती गई। एंड मैं अगर अब पूछूं कि आपकी जो आर्टिस्ट लाइफ है ना, तो कैसे चल रही जो आर्टिस्ट लाइफ, और एक अपने आपको हमेशा ग्लैमर में रहना हर चीज में, व्हेन यू गो इन द स्टार्स, पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू, यंगस्टर्स इज लाइक अ बिग फैन ऑफ यू, सो हाउ इट्स गोइंग ऑन, मींस क्या है जो आपको 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 आपके अंदर, तो एक डेफिनेटली एक अट्रैक्शन वो है कि हर बंदा आपको फॉलो करना चाहता है, यंगस्टर इज लव इन यू, एंड जो पार्टी में जब आप डीजे पे आते हैं, जो सा आपके बीच में एक पावर है जब आते हैं फ्लोर के ऊपर, कहते हैं डांस फ्लोर पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये नहीं कहता सुमित सेठी इज द वन ऑफ द बेस्ट डीजे, तो क्या है वो, क्या मजा क्या है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो जर्नी थी, मैं जर्नी कंप्लीट कर रहा था, तो उसके बाद धीरे 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 बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने लग गई, टैलेंट सामने आने लग गया लोगों को, क्योंकि उस टाइम डीजेइंग का कल्चर नहीं था, और प्लस मेरी फैमिली में म्यूजिक था ही नहीं, तो मेरे को बहुत टाइम लगा इसको सीखने के लिए। उन्होंने बता दिया लड़का ये कहाँ पर है, ये तो ट्यूशन पढ़ने गया था, घर आया दे रैपटे पे रैपटे दे रैपटे पे रैपटे, ये कहाँ लड़का, तो फैमिली सपोर्ट नहीं था, बट धीरे धीरे पेपरों में छपने लग गए, टीवी में आने लग गए, तो लोगों घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया लड़का टैलेंटेड है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने लग गई, तो आर्टिस्ट लाइफ इज गोइंग रियली नाइस। एंड मैंने अपने आप को ग्रेजुएट कर लिया डीजे से एज अ कंपोजर एंड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो नॉट जस्ट डीजे, क्योंकि मैं देखता था जब बड़े बड़े अवार्ड शो हो रहे हैं, कोई ये अवार्ड कोई वो अवार्ड, उसमें डीजे की कैटेगरी नहीं होती थी, तो मैंने कहा क्यों ना म्यूजिक कंपोजर, व्हाई कॉन्ट डीजे बी अ म्यूजिक कंपोजर, सो आई वेंट, आई IIFA में भी परफॉर्म किया। ओके, इट्स कॉल्ड IIFA, इट्स द बिगेस्ट, देयर द बिगेस्ट इवेंट, कॉमनवेल्थ गेम्स के बीच में किया, मिस यूनिवर्स में किया, फेस्टिवल्स, कितनी सारी वेडिंग, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, अरुण जेटली की डॉटर है ना, कपिल शर्मा, सो अगला भी क्या है, तो व्हाट्स योर फीलिंग, व्हाट्स लाइक लाइफ के अंदर
जो आप के बीच में एक कहते हैं वी फील लाइक दैट एज ए बिकॉज मैं एक चीज़ बताऊं कि जिस टाइम दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सुमित जी के साथ इनका यहाँ पे डार्लिंग हार्मोन में यहाँ पे इवेंट हुआ और इनके साथ मेरे को एक वीडियो करने को भी मिला, मैंने कुछ शूटिंग्स की हमने, एंड आई फील ही इज़ अ ट्रू डाउन टू अर्थ पर्सन, ही इज़ लाइक अ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी टैलेंटेड. लेकिन आप इतने थे जब वी इवेंट करते हैं, हम आपको देखते हैं, वी फील प्राउड, कहीं ना कहीं हम आपके साथ भी अटैच्ड हैं, एंड सो आपको क्या फील होता है? वरुण, इट्स माय ऑनर. और वो वीडियो जो आपके साथ शूट कर रहा है उसको बहुत जल्दी रिलीज कर रहा हूं, उसका गाना भी तैयार कर लिया मैंने, फुटेज है मेरे पास, एंड इट्स गोना बी बहुत सुंदर लग रहा है वो. नंबर टू फीलिंग ये कि पता क्या है कि कभी नाम से काम नहीं करा, नहीं कि आज अरुण जेटली जी की डॉटर की शादी है, जिस क्या काम करा वही बढ़िया करा. आईफा अवार्ड इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, आई परफॉर्म फॉर आईफा स्पेन स्पॉम, अभी आईफा ऑनलाइन डिजिटल का सबसे बड़ा शो करा हमने, आईफा स्टॉम्प अगेन, बैंकॉक, हांगकॉन्ग, मकाओ, सो एंड आई बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर. कॉमनवेल्थ गेम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, 3rd October 2010, 75,000 पीपल, 75 मिलियन व्यूअर्स इन द स्टेडियम, और टीवी पे लोग देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग ऑन द टीवी, सब लोग एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, इंडिया इंडिया इंडिया. तो वो फीलिंग थी, वो अलग ही फीलिंग थी, अलग ही थी. युवराज सिंह पाजी के फंक्शन करे, बहुत सारे फंक्शनों पे परफॉर्म करा मैं था, एंड आट दीज बॉयज फ्रॉम लंडन ढोल प्लेयर्स, तो उसकी फीलिंग अलग थी. गौतम गंभीर जी की शादी करी, कपिल शर्मा पाजी की पार्टी पे परफॉर्म करा, तो बॉलीवुड इज गोइंग रियली फाइन. अभी आई परफॉर्म फॉर ऑल दीज बॉलीवुड गाइज, आई परफॉर्म वेयर सलमान पाजी वॉज देयर, दी शाहरुख पाजी, आई कॉल्ड हिम इनवाइटेड ऑन द स्टेज टू डांस विद मी, सो गॉड इज बीन रियली काइंड. मिस यूनिवर्स करा मैंने, शाहरुख खान जी ने भी बहुत अच्छा डांस किया, एंड वहाँ पे इंडियन टीम के लोग भी काफी थे, सारे के सारे थे. अगर मैं आपसे पूछूं जर्नी एज ए डीजे, एज ए म्यूजिक अरेंजर, एंड नाउ एज ए कंपोजर, तो किस तरीके से आप जा रहे हैं, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताइए कि एज ए फिर डायरेक्टर, फिर मूवी प्रोड्यूसर, फिर आगे आगे क्या आ रहा है? डीजेइंग से जर्नी शुरू हुई, फिर पैसे पूसे तो थे नहीं मेरे पास कि सामान खरीदो, तो मैं अरेंजमेंट होती है कि म्यूजिक कंपोजर है, उसके नीचे बंदा गाने बजाएगा, बनाएगा, वो कंपोजर को देगा, कंपोजर रिलीज करेगा क्योंकि धुन उसकी है. तो मैंने अरेंजमेंट करी पहले, लोगों के लिए गाने बनाए, पैसे पूसे इकट्ठे करे, प्रॉपर सेटअप वेटअप ओके हो गया. अब किसी के लिए अरेंजमेंट नहीं करता, अब खुद म्यूजिक कंपोजर हूँ. मेरी कुछ रिलीजेस लास्ट बहुत अच्छी गई, एक फिल्म आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह वाली, उसका पूरा बैकग्राउंड स्कोर करा, चिट्टियां कलाइयां का अरेंजर था मैं, पिंक लिप्स का रीमिक्स बनाया, हैंगओवर का रीमिक्स बनाया, सिंगम का रीमिक्स बनाया. एक हॉलीवुड फिल्म थी ट्रांसपोर्टर रीलोडेड, इंडिया में रिलीज हुई थी, उसका टाइटल गाना खुद गाया भी और प्रोड्यूस करा. फिर सोना मोहपात्रा जी के साथ एक ट्रैक था नहर वाले पुल. फिर मेरा सबसे सुपर हिट गाना है टी सीरीज पे, वीरा विद जैस्मिन सैंडलर्स. और अब बैक टू बैक रिलीजेस है, बिग रिलीजेस. दैट्स वेरी वेरी गुड, वी आर वेटिंग फॉर दैट. एंड एक चीज और, अभी अगर मैं थोड़ा सा हट के बात करूं, अभी जो बॉलीवुड में हो रहा है, सुशांत सिंह राजपूत अभी इस इंडस्ट्री से एक झटके से चले गए, तो क्या चीज अभी बॉलीवुड में चल रहा है, क्या, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? बहुत दुख की बात है. मेरी सुशांत की इंटरेक्शन एक मिस यूनिवर्स पे हुई थी, वो जज थे और मैं परफॉर्म कर रहा था वहां पर, वहां मैं मिला, ही वाज जजिंग एंड ही वाज वेरी कूल एंड बहुत प्यार से, बहुत क्यूट सी स्माइल थी, पॉजिटिव. लोग नहीं होते लाइफ में जिनको देख के पॉजिटिविटी आती है, वैसे लड़का मेरे को नहीं लगता बाजी यार कि आई डोंट थिंक सो इट इज अ सुसाइड, पता नहीं क्या है, बट अजीब लगता है सोच के भी. जी, व्हाट डू यू थिंक? सेम थिंग, मीन्स जो हुआ कुछ मालूम नहीं चल रहा क्या हुआ, बट यही चीज है कि ये नहीं होना चाहिए था. न्यूज जो है ना, जो न्यूज आ रही है, डिजिटल न्यूज आ रही है, सब अलग आ रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट समझ ही नहीं आ रहा. बट जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख की बात है, पूरा देश सदमे में था, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए था एकदम. और झटके पे झटका बॉलीवुड को काफी सारे झटके मिले इस साल में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था. यू आर राइट. अगर मैं इस चीज से बात करूं तो यही चीज कहूंगा कि किस तरीके से उसके बाद भी कंट्रोवर्सीज काफी सारी हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस टाइम काफी स्टार्स के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, अगर हम उसके बीच में चले जाएं, शायद इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट टॉपिक, वी डोंट वांट टू टच अबाउट दैट. मैं वापस आता हूं आपके साथ बातचीत करने में, आपकी बातचीत करने में, बिकॉज आई फील बैड एंड सैड अबाउट सुशांत सिंह राजपूत.
कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें बिकॉज यू ऑलरेडी मेट पर्सनली, यू डन परफॉर्मेंस फ्रंट ऑफ हिम, एंड एक डिफरेंट आई अंडरस्टैंड एक वो बन जाता है. मेरा आपके साथ भी एक रिलेशन बना हुआ है, एक जब पर्सनली मिल लेते हैं. मुझे याद है, मैं आपको थोड़ी अलग यादों में ले जाता हूँ, जब हम डार्लिंग हार्बर में शूट कर रहे थे. अगर आपको कोई खट्टी मीठी याद दिलाऊं तो क्या याद आएगा आपको? डार्लिंग हार्बर पे एक तो रोड के शॉट्स लिए थे आपने मेरे, वो होटल के बाहर. एक हार्बर पे आपने लंबी स्ट्रेच पे शॉट्स लिए थे. आई वॉन्ट टू से वेरी 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 पॉजिटिव वे कि आप एक शॉट दे रहे थे, उस शॉट के बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बट यू जस्ट से सिट लाइक अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी. हमें डर लगा कि शूटिंग करते हुए आप गिर ना जाएं, लेकिन आपने उसको सिचुएशन को इस तरीके से बैलेंस किया, एंड वी फील लाइक दैट दैट इज द रियल आर्टिस्ट, दैट इज हाउ इज हैंडलिंग द शूटिंग एनवायरमेंट इज. शूटिंग पाजी रोज कर करके अब मैंने अपने घर पे ग्रीन स्क्रीन लगा लिया, इतनी शूटिंग इतने इंटरव्यू, तो मैंने कब घर पे बाहर जाने का चक्कर ही खत्म. मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर आपने इतनी सारी शूटिंग्स की हैं, इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं, विच वन इज योर फेवरेट इंटरव्यू एंड विच वन इज योर खट्टा मीठा एक्सपीरियंस, अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहे? एक्चुअली मैं कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू ज्यादा देता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है बाद में, फिर इनको ट्रोल होते हैं, ये होता है. मेरे लिए ना, मैंने गन्स एंड रोजेस के लिए ओपन करा था इंडिया में, तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, बड़ा खतरनाक इंटरव्यू हुआ था मेरा एक, उसमें वो तो प्रोग्राम भी खतरनाक है ना. हाँ, मैं बॉलीवुड म्यूजिक बजाता हूँ और एक रॉक बैंड था, उसकी ओपनिंग बॉलीवुड डीजे कैसे कर रहा है, तो इट्स लाइक दैट. वो खतरनाक इंटरव्यू था बहुत. एक चैनल बी का शो बहुत पॉपुलर था, वो बहुत कंट्रोवर्शियल शो था मेरा. तो व्हेन यू आर डीजेइंग, काफी सारे लड़कियां आपके पीछे पड़ जाती होंगी, तो कई बार ऐसी चीजें नहीं आती कंट्रोवर्सी में कि भैया कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता? पाजी एक बहुत लंबी लकीर लाइन खींची हुई है फैंस और अपने के बीच में, जिसके अंदर एक रिस्पेक्ट का दायरा बना रखा है. फैंस हैं और लड़कियां टैटू पर आएंगी, लड़के टैटू पर आएंगे, लड़कियां फूल भेजेंगी घर पे, कुछ लिखेंगी, कुछ होंगी, ऑफेंड होंगी, अच्छा होगा, प्यार करेंगी. वो लोग एक दिल का रिश्ता है, मेरे म्यूजिक से मुझे प्यार करते हैं, मेरी कला से मुझे प्यार करते हैं, बट आई डोंट कन्वर्ट इट इनटू एनीथिंग एल्स. आई वांट टू ड्रॉ दैट पर्दा एंड लाइन बिटवीन ऑल ऑफ अस, कि मतलब उतना दायरा रहे. दैट्स ब्यूटिफुल. अच्छा, आगे बढ़ता हूँ तो एक चीज ये आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जौन सी नई जनरेशन है जौन से इस लाइन के बीच में आना चाहते हैं, सपना देखते हैं सुमित शेट्टी बनने का, तो उस उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपने सब देखते हैं, बट अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए. मतलब इस लॉकडाउन से मैंने यही सीखा कि मैं जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाया, जो मैं गाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं, मैंने सारा टाइम कॉन्सेंट्रेट करा उन चीजों पर, नया म्यूजिक बनाया, नई अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करी. तो यही सीन है इन लोगों के साथ, अपने पैशन पे काम करो, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा अपने आप आएगा. यू हैव टू रन टुवर्ड्स योर पैशन. आपका पैशन होगा अच्छा तो आपको कहीं से भी लोग उठा के कहीं से भी ले आएंगे. दैट्स गुड. तो ये चीज अगर मैं आपको जाते जाते, या आपने मैसेज बहुत अच्छा दिया, जाते जाते अगर एक चीज पूछूं कि आप इतने सारे सॉन्ग्स बजाते हैं, इतने सारे डीजे गाने मिक्स करते हैं, अगर आपका फेवरेट गाना पूछूं तो कौन सा है? मेरा अपना गाना वीरा. वीरा कल वीरा. क्यों आया वे तू आज दी कड़ी. सुमित सेरी इन द क्लब, एवरीबॉडी बाउंड, जैस्मिन सैंडलर्स, एवरीबॉडी हिट द ग्राउंड. रुक नहीं दिखानी आज पूरी तेजी, नच दिए सोनी लग दी बाबी डेजी. गल सुन वीरे, चल लक नु हिला दे गल सुन वीरे, अज हौ हल पा दे गल सुन वीरे, पर जाइया न चले गल सुन वीरे, अज पैग तू बना ले बल्ले नहीं जागो आया. Okay, and I would like to tell you that music is a dil ka connection, it is a soul connection. You can't buy music. Dil ka rishta hai, dil ka sambandh hai, rooh se connect hota hai. Ye talented aur passionate logo ki, chahe koi bhi, chahe painter ho, chahe writer ho, chahe lyricist ho, ye dil ka system hai. To ye unhi se connect kar paata hun, logo se jinke saath pyar aur mohabbat hai. Abhi interview hum ek mahine se plan kar rahe hain, but dil ka connection hai to Varun bhai se tabhi interview hua.
इट्स लाइक दैट एंड सिंपल. और जाते जाते दो वर्ड्स हो जाए फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के लिए भी और डेफिनेटली मेरे लिए भी, आपके गाने के थ्रू, आपके स्टाइल के थ्रू. ओके, अभी मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ वरुण इसको. आपने अब शुरू करा, बटन दबाया ये इंटरव्यू को, तो अब थोड़ा बेटर करते हैं इसको 5-10 मिनट और लगा के. वरुण, आई फील मेरे को लगता है कि जो हमारा म्यूजिक है ना, ये बहुत सारी बाउंड्रीज को कनेक्ट करता है. ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, लंदन, ये सब एक दिल के रिश्ते को जोड़ता है. इससे मैं पूरे वर्ल्ड और यूनिवर्स को कनेक्ट करता हूँ मेरे म्यूजिक के साथ. मेरा जो आजकल इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूँ मैं अपने आप, कल विश्वास करना पौने छह लाख लोग थे मेरे लाइव पे रात को. क्या विश्वास करना, I'm your follower, you are doing very yeah. well. I'm God is kind. जब मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि दिल 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 से आवाज निकलती है कि that you have the talent, you are going very well. Thank you. और आप ऑस्ट्रेलिया और सिडनी फिर से कब आ रहे हैं? We are waiting for you as well. मेरा पूरा टूर था ऑस्ट्रेलिया का, मेरा पूरा टूर था मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, पर्थ, ये मेरे पूरे, और उसके आगे न्यूजीलैंड मेरा पूरा टना हुआ था, और वापसी में बाली. तो ये मेरा पूरा टूर था, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में कैंसिल हो गया. उसके बाद मेरा एक पूरा अमेरिका टूर था, बहुत बड़ा टूर था, नाम नहीं ले सकता, 5-6 आर्टिस्ट के साथ. सो इट वाज रियली बिग एंड रियली ऑसम. एंड वरुण, आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट, व्हेनेवर यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया. एंड वरुण, मेरे ना बहुत बड़े बड़े रिलीजेस आ रहे हैं, आपको टच में रहूंगा. एंड आई वुड लाइक टू से दैट वरुण, यू आर डूइंग एन वेरी इनक्रेडिबल जॉब. मतलब एक आपको आज एक इंटरव्यू लेने के लिए आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स कि इसमें इतनी मेहनत है. आपको थोड़ी मेहनत एक्सप्लेन करता हूँ सबको. सबसे पहले कोऑर्डिनेट करो आर्टिस्ट के साथ, उसके बाद पूरा ब्रॉडकास्ट स्टूडियो लो, ग्रीन स्क्रीन लगाओ, लाइट लगाओ, तैयार हो, पूरी स्क्रिप्टिंग करो, फिर एक उस कंट्री का एक ब्रॉडकास्टर जो उसको लेगा, फिर रिकॉर्ड करो, फिर पोस्ट करो, फिर एडिट करो, फिर रिलीज करो. सो गाइज, इट इज अ वेरी मच हार्ड वर्क. और वरुण, आप जो कर रहे हो वो बहुत कमाल है. एंड ट्रस्ट यू मी, इट विल गो रियली वंडर्स फॉर यू. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू सब्सक्राइब टू वरुण, हिज चैनल्स, हिज एफर्ट टू गेट इट टू योर इयर्स, बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग अमेजिंग एंड विदाउट एनी कमर्शियल स्टफ. सो इट्स ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू गाइज. एंड फ्रेंड्स टीवी, यू रॉक फ्रेंड्स टीवी. दिस इज योर ब्रदर सुमित सेठी. पीपल कॉल मी डीजे सुमित सेठी. माई रिस्पेक्ट, माई हार्ट टुवर्ड्स यू. Friends TV, you rock. I'll see you. If you come to India, I'm a call away. If I come to Australia, you owe me a chai. Definitely. Not only a chai. Whenever you are at a Sydney airport, you're going to see the first person going to receive you. That's Varun Tiwari. So, aaj humari baatcheet hui Sumit Sethi se. He's one of the best DJ, best human being and best person I know. So, dosto, इसके साथ इजाजत लेता हूं मैं अब वरुण तिवारी. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स यू पुट इन. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग. एंड दोस्तों, मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार टॉक. मैं आपका वरुण तिवारी फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से. वन स्टॉप आंसर टू योर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एंड वीजा मैटर्स. जेमको सिडनी. ड्रीम बिग, अचीव बिग.